गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया रहेंगे। मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज मेरा ब्लॉगिंग चैनल का शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेंगलुरु पे हूँ, लगभग 2 महीना हो चुका है और अगर अभी तक मैंने शुरुआत नहीं किया तो क्या ही कर रहा हूँ। इज माई मॉम और गर्लफ्रेंड गोइंग टू कम एंड व्हिस्पर इन टू माई ईयर्स? ले बेटा, क्या कर रहा है? 2 महीना हो गया बेंगलुरु पे आते हुए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, क्या ही कर रहा है ज़िंदगी में? नहीं ना, इसलिए खुद को ही करना पड़ेगा। तो चलिए आज ही करते हैं। तो आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए रेडी होते हैं। तो गाइस, अब निकलने का वक्त आ ही गया है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं सबसे ज़्यादा बस को प्रेफर करता हूँ क्योंकि 70 रुपीज़ में एक दिन में जितना मर्जी आप बस में घूम सकते हो, चाहे तो आप पूरा बेंगलोर घूम सकते हो। तो चलिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मास्क। तो चलिए अब निकलते हैं। अभी मैं केम्पेगौड़ा बस स्टेशन में हूँ। केम्पेगौड़ा बस स्टेशन मतलब ये मत समझ लेना कि केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट यहाँ से भी लगभग 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा जाने के लिए। मेरे घर से मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से केम्पेगौड़ा बस स्टेशन भी लगभग 1 घंटा दूर है। अभी यहाँ से लालबाग जाने के लिए और एक बस पास करना पड़ेगा, मतलब और दूसरा बस होने वाला है। पहला बस से तो मैं यहाँ पर आ गया और उस बस से मैं डायरेक्ट लालबाग पहुँच जाऊँगा और उसमें लगेगा लगभग 20 से 22 मिनट शायद। तो चलिए वहाँ पर जाके ही मिलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली मैं पहुँच ही गया यहाँ पर, मतलब लालबाग बोटनिकल गार्डन में। तो चलिए यहाँ का नज़ारा देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, एक गेट है, अगर आप पार सकते हैं तो पार लीजिए, मेरे को तो कांडा नहीं आता। खैर, मेरे को यहाँ पर आते हुए बस एक ही लैंग्वेज समझ में आया है। लैंग्वेज नहीं, मतलब कह सकते कि एक ही वर्ड समझ में आया है, वो है कांडा गोतिल्ला। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि कोई कुछ बोल रहा है कांडा में, तो बस आप एक बात बोल दीजिए, कांडा गोतिल्ला। इसका मतलब है वो समझ जाएगा कि आपको कांडा नहीं पता। यही काफ़ी है यहाँ पर रहने के लिए। बाकी अगर यहाँ का लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी बात कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या ही कर सकते हैं। खैर चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नज़ारा है देखने के लिए। आप अगर बंगाल से यहाँ पर आए हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बंगाली है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आए हुए शायद 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे, अभी तक मैंने लगभग 10 से 20 तो बंगाली देख लिया। बहुत बंगाली है भाई बंगाली में, बहुत बंगाली है। पता नहीं जो सारे बंगाली लोग हैं, जैसे कि मैं खुद भी हूँ, यहाँ पर ही क्यों आ जाते हैं दुनिया में और भी जगह जाने के लिए? खैर, हर एक का अपना मर्जी है, जैसे कि मैं भी चढ़ाया है यहाँ पर। चलिए और भी नज़ारा देखते हैं।
यहाँ पर आगे की ओर एक चट्टान जैसा है जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और उसके ऊपर एक मंदिर जैसा है। तो चलिए मंदिर भी देख आते हैं। ये चट्टान है, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, आप जैसे भी कहकर समझ सकते हैं। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया गया शायद, क्योंकि यहाँ का अगर मिट्टी देखेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। लेकिन हाँ, अब ऐसे हो भी सकते कि नेचुरल भी हो, क्योंकि जो कर्नाटका है, कर्नाटका में ज़्यादा से ज़्यादा जगह ये चट्टान जैसा ही है, क्योंकि आपको प्लेन सरफेस यहाँ पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। मिट्टी तो इधर लगभग है ही नहीं यहाँ पर, जैसे इसलिए ईंट जिससे हम घर बनाते हैं वो नहीं मिलता है। यहाँ का घर बनाने के लिए पत्थर और सीमेंट से बनाया जाता है। यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन ही कुछ अलग है। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। तो आखिर हम पहुँच ही गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रतिमा तो है नहीं, शायद फ्यूचर प्लानिंग के लिए मंदिर बनाया गया है, शायद बाद में यहाँ पर कोई प्रतिमा रखा जाएगा। खैर, ऊंचाई की वजह से यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा मिलता है। देखिए सामने जो आप दो गेट देख सकते हैं, वहाँ पर जो लेफ्ट साइड का गेट है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो चलिए कुछ देख आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अनकॉमन हो सकता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, ये मेरा दूसरी बार है। खैर चलिए, यहाँ पर एक मैन मेड वाटरफॉल भी है, मतलब एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है। पिछली बार जब आया था तब तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब आया था तब बंद कर दिया गया था। तो चलिए आप देखते हैं कि आज देखने को मिलता है कि नहीं। उम्मीद यही करेंगे कि इस बार देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछली बार तो देखने को नहीं मिला। खैर चलिए, और यहाँ पर सुना था कि और एक एक्वेरियम भी है और एक लोटस पॉन्ड भी है, वो दोनों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछली बार एक्चुअली टाइम ही नहीं था, बहुत देर लेट से आया था, बंद होने का टाइम था तब, इसलिए देखने को नहीं मिला। और आज तो सुबह सुबह ही आ गए हैं, उम्मीद करते हैं कि देखने को मिल ही जाएगा। चलिए देखते हैं। आज भी लक खराब है गाइस, आज भी वाटरफॉल बंद है। और आगे जो चट्टान जैसा आप देख सकते हैं, एक्चुअली वहाँ से ही पानी आता है, फिर आके इस लेक में आके गिरता है। लेकिन पता नहीं ये कब खुलेगा, शायद 3 बजे के आसपास खुल सकता है। खैर, एक लेक ही बच गया है जो आप देख सकते हैं। अभी तो दोपहर हो चुका है, बैठ के कुछ खाना पीना करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं क्या कुछ और देखने को मिलता है। फिलहाल इस पेड़ के नीचे देखिए यहाँ पर बैठने की जगह भी है, चलिए यहाँ ही बैठ जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। एक्चुअली मैं घर से खाने का आ गया हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल बाहर का खाना अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीज़न है। खैर छोड़िए, दोपहर के खाने के लिए एक्चुअली मैं प्रेफर तो करता हूँ ऐसे डालिया हो गया, या क्या कहते हैं उसको, ब्राउन राइस हो गया, ऐसा कुछ। लेकिन अभी खाना पका के कौन ही आएगा, क्योंकि सुबह सुबह निकल गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस ओट लेके आ गया। ओट तो आपको शायद पता ही होगा कितनी आसानी से बन जाता है। ओट के साथ कुछ, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। और हाँ, मास्क तो उतरना ही पड़ेगा खाने के लिए। खैर
ओट के साथ थोड़ा डेट्स मतलब खजूर उसके साथ किशमिश और कुछ काजू मिला के उसको पानी में डाल के बस हो गया, 2 मिनट में खाना तैयार। तो चलिए कुछ खा लेते पहले। और पानी पीना बहुत आवश्यक है। बस और ऐसे लो पानी मिलाओ, उसके बाद एक चम्मच लेके इसको मिला लो, बन गया खाना। हाँ, इसके खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ का कोई फ्रूट ले लूँ, देखते हैं कौन सा फ्रूट अच्छा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट का दुकान बहुत सारे हैं। फ्रूट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस देखना पड़ेगा कि कौन सा किस हालत में है, क्योंकि अगर वो फ्रूट अगर पहले से ही काटा गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी है तो उसको लग गया होगा, तो उसको अवॉइड करने बेहतर रहेगा। जो सब फ्रेश फूड है मतलब जिसको अभी भी काटा नहीं गया है वो खाना शायद बेहतर रहेगा। देखते पहले ये तो खा लेते हैं। खाना पीना हो गया, अब एक फ्रूट शॉप ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा फ्रूट अवेलेबल है इधर। पाइनएप्पल तो देखा था मैंने, लेकिन पाइनएप्पल वो जो मैंने बताया पहले से काटा गया था, जाहिर सी बात है वो खाने में वो खा अगर मैंने खा लिया तो फिर में गड़बड़ी होगी, फिर मतलब सेहत के लिए कोई काम तो करेगा नहीं, ऊपर से हो गया काम ख़त्म। तो चलिए कोई अच्छा खासा दुकान ढूंढते हैं, मतलब यहाँ पर जो सा दुकान है फ्रूट का शॉप, फिर देखते हैं कौन सा फ्रूट खाने लायक है, चलिए ढूंढते हैं। फ्रूट में वाटरमेलन मिल गया था, टेस्ट भी एकदम लाजवाब था, लेकिन वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि एक्चुअली वीडियो जब करने गया था शटर बटन क्लिक नहीं किया। छोड़िए वो तो गया काम से, कोई बात नहीं, अब बहुत लेट हो रहा है, अब मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे शॉपिंग में भी जाना है। तो चलिए घर में जाके बात करते हैं। अभी बस घर पहुँचा, घर से निकला था 9:30 को और घर पहुँचा 4:30 को, एकदम हालत ख़राब हो गया है। और क्या है बताएं, देख ही सकते हैं आप। खैर इतना तो चलता है एक वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर करके दिल पिघला दीजिए सभी का, तब तो मज़ा आएगा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।